सभी बच्चों का पसंदीदा कार्टून शो है डोरेमोन। तुम सब भी प्रतिदिन मिलते होगे ना इससे, लेकिन पता है तुम्हें कि आखिर इसे किसने बनाया था? किसकी कल्पना शक्ति से ये रोबो कैट डोरेमोन तुम सबकी जिंदगी का कीमती हिस्सा बन गया? चलो आज डोरेमोन के बारे में खूब सारी मजेदार बातें जान लो। आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक सेकंड आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपने शायद कभी भी नहीं सुना हो। लेट्स बिगिन। डोरेमोन हमेशा से ही हमारा पसंदीदा कार्टून शो रहा है। आज भी बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी अपने बचपन को याद करने के लिए ये कार्टून शो देखते हैं। डोरेमोन को 3 सितंबर 1912 में मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था। यदि आप इस वीडियो को 2019 में देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से ठीक 93 साल बाद डोरेमोन का निर्माण होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक चीज़ जो बनाई जाती है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है, और डोरेमोन का प्रोडक्शन कोड है MS903। जब डोरेमोन को बनाया गया था तब उसका रंग पीला था और उसके दो कान भी बनाए गए थे जैसे कि हर एक बिल्ली के होते हैं, पर एक दिन उसके दोनों कानों को एक चूहे ने काट दिया और डोरेमोन को उसी दिन से चूहों से बहुत डर लगने लगा। अपने कानों को खोने के बाद डोरेमोन उदास हो गया। शिकायत करके कोई फायदा नहीं, ऐसे समय में लिक्विड एनकरेजमेंट, अगर मैं इसे पीऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अब ठीक लग रहा है, मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ? और उदासी नामक लिक्विड का एक प्याला पी गया। जैसे जैसे वह रोता गया उसका पीला रंग आंसुओं से धुलने के कारण आज के प्यारे नीले रंग में बदल गया। डोरेमोन का लिटरेली मतलब स्ट्रे मेल कैट होता है। नॉरमैको डोरेमोन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब डोरेमोन के कान चूहों ने काट दिए तब उसने डोरेमोन को छोड़ दिया। डोरेमोन का लकी नंबर है, क्योंकि जब डोरेमोन डरता है तो 129.3 मीटर ऊपर उछलता है। और यही नहीं, डोरेमोन के पास 129.3 हॉर्स पावर की स्ट्रेंथ है और उसके हाथ के कलाई का सरकमफ्रेंस भी 129.3 सेंटीमीटर है। डोरेमोन एक ऐसा कैट रोबोट है जिससे 22वीं सदी के बच्चे खेलते हैं। डोरेमोन एक फैक्ट्री द्वारा रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। डोरेमी नोबिता की बहन है। यह डोरेमोन से ज्यादा उन्नत रोबोट है। जहां डोरेमोन की शक्ति केवल 129.3 हॉर्स पावर है, वहीं डोरेमी की शक्ति 10,000 हॉर्स पावर है। वह गैजेट्स का इस्तेमाल भी डोरेमोन से बेहतर तरीके से कर सकती है। वह खुद पर घमंड नहीं करती, और जब भी डोरेमोन को मदद की जरूरत होती है वह अपनी टाइम मशीन में बैठ कर मदद करने आ जाती है। जब उसका भाई डोरेमोन छुट्टी पर होता है तो वह नोबिता की मदद करती है। डोरेमोन में नोबी नोबिता, डोरेमोन, सुजुका नोबिता की सबसे अच्छी दोस्त, जियान, सुनियो, डोरेमी, जैको जियान की बहन, डेकी सुकी स्कूल का बुद्धिमान लड़का, सेवासी नोबिता का भविष्य का पोता, सोने केची सुनियो के अंकल कैरेक्टर्स शामिल हैं। डोरेमोन हिरोशी फुजीमोटो और मोटो एबिको, जिन्हें एक साथ फुजीको एफ फुजियो कहा जाता है, के द्वारा बनाया गया एक जापानी मांगा कार्टून सीरीज है। यह बाद में एक एनीमे या फिर एनिमेटेड सीरीज बन गया। स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर्स नोबिता की डेली लाइफ पर फोकस्ड हैं। डोरेमोन के पास एक 4-डायमेंशनल जेब है जिसे उसने भविष्य में गैजेट से भर दिया है। अक्सर नोबिता स्कूल या मोहल्ले में समस्याओं की वजह से रोता रहता है, और डोरेमोन से प्रॉब्लम से बचने के लिए बदला लेने या फिर सिर्फ दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए गैजेट्स मांगता है। हमारा काम हो गया। उन्होंने क्या कहा? वो डोरेमोन को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ नोबिता, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सुनो, ये रोबोट किडनैपिंग ग्रुप क्या होता है? क्या कहा? रोबोट किडनैपिंग ग्रुप।
डोरीमोन का मिशन नोबिता की मदद करना है। नोबिता एक ऐसा लड़का है जिसके पास हमेशा दुर्भाग्य था और जिसमें कोई क्षमता नहीं थी। वह स्कूल में एक मूर्ख है। नोबिता केवल शूटआउट, रबर प्ले और नींद में प्रतिभाशाली है, जापान के आधुनिक युग में लगभग बेकार की क्षमता। यही कारण है कि वह अपना जीवन जीने में असफल रहा और उसे सफल इंसान बनाने के लिए डोरीमोन को भविष्य से नोबिता मुसीबत में होगा। डोरीमोन तुरंत मैजिकल गैजेट से नोबिता की मदद करेगा। नोबिता की शादी जियान के सिस्टर जैको से होने वाली थी, पर डोरीमोन के मिशन ने काम किया है, क्योंकि जब वे भविष्य में जाते हैं तो नोबिता ने खुद को शिजुका से शादी करते हुए देखा, ना कि जैको से। उन्होंने यह भी देखा कि उनके वंशज पहले से बेहतर स्थिति में रहते हैं। और सेवाशी ने एक नया रोबोट डोरीमी भी खरीद लिया, जिसे डोरीमोन की बहन कहा गया है। अरे डोरेमी, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या थी, मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में थी। क्या बात है डोरेमी, बताओ ना। शिजुका, मैं नोबिता को ढूंढ रही हूँ, वो कहाँ है बताओ। अरे डोरेमी, मैं यहाँ हूँ। एक परेशानी है, डोरेमोन किडनैप हो गया है नोबिता। हाँ? डोरेमोन को किसने किडनैप किया है? मांगा और एनीमे में बताया गया है कि डोरीमोन और नोबिता अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं और आपसी सहायता करते हैं। कई कहानियां उनके साहस और दृढ़ता को दर्शाती हैं, जो उनकी दोस्ती को बनाए रखती है। पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए हमें मेरे दादाजी के साइन की जरूरत पड़ेगी। ये बताओ डोरीमोन ठीक तो है ना? अब हम डोरेमोन को ढूंढना शुरू करेंगे। काश ये सब उस रोबोट किडनैपिंग ग्रुप का काम ना हो, जैसे कुछ दिन पहले ही हुआ था। वो ग्रुप दिन दहाड़े अपने साथ एक रोबोट को उठा कर ले गया था। एंड ऑफ द स्टोरी। डोरीमोन का लास्ट एपिसोड कई बार बनाया जा चुका है और कई और कहानियां अभी एनिमेटेड नहीं हुई है, जिसमें डोरीमोन कार्टून का एंड बताया गया है। मोस्ट फेमस एंडिंग स्टोरी। एक दिन नोबिता घर आया और रोते हुए डोरीमोन से शिकायत करने लगा, लेकिन बहुत देर बाद उसने महसूस किया कि डोरीमोन के साथ कुछ गलत था। डोरीमोन चुप था, शिकायत का जवाब नहीं दे रहा था। नोबिता ने जल्द ही डोरीमोन की बहन को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। तब थोड़ी देर बाद डोरीमी ने बताया कि डोरीमोन की बैटरी खत्म हो गई है। इसके अलावा डोरीमी ने बताया कि डोरीमोन का ओल्ड वर्जन का बैकअप मेमोरी उसके कान में होना चाहिए, लेकिन डोरीमोन के कान खो जाने के कारण उसके पास मेमोरी और मेमोरी रखने के लिए बैकअप पावर नहीं था। डोरीमोन को पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका बैटरी को बदलना है, लेकिन इसका मतलब है कि डोरीमोन नोबिता के बारे में और खुद की और उसके दोस्तों की सभी स्मृति यानी मेमोरीज खो देगा। उसी समय टाइम पेट्रोल ने नए नियम बनने के कारण समय यात्रा के अस्तित्व पर रोक लगा दी और नोबिता डोरीमोन को फ्यूचर में नहीं ले जा पाया। फिर डोरीमी बताती है कि अब सिर्फ दो ऑप्शन हैं, टाइम पेट्रोल के रूल्स को तोड़ के फ्यूचर में जाके डोरीमोन को ठीक करें और उसकी स्मृति मिटा दें, या भविष्य में किसी के आने की प्रतीक्षा करें जो डोरीमोन को ठीक कर सके। नोबिता ने दूसरा रास्ता चुना और उसने अपने आप से वादा किया कि वह एक सफल व्यक्ति बनेगा। 3 साल बाद नोबिता ने सर्वश्रेष्ठ मूल्यों के साथ उच्च विद्यालय में पढ़ाई किया और कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो विद्यालय में बहुत लोकप्रिय है। फिर भी एक हंसमुख और आशावादी नोबिता की स्मृति, प्रवृत्ति सब खो गई और अब वो हमेशा अकेला रहता था। 29 साल बाद डेगी सुकी ने कहा, जो जापान के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सुनियो और जियान के साथ मीटिंग आयोजित किया। तीनों ने डोरीमोन के गायब होने और टाइम पैराडॉक्स के मुद्दे पर चर्चा की। टाइम पैराडॉक्स एक ऐसा सिद्धांत है जो दुनिया के इतिहास को बताता है। इसमें इतिहास को एक टाइम मशीन के निर्माण के साथ बदला जा सकता है। और बातचीत से जो सवाल सामने आया वो ये था कि टाइम पेट्रोल ने भविष्य में डोरीमोन को ठीक करने की अनुमति क्यों नहीं दी, और जवाब था क्योंकि नोबिता ही वो इंसान था जो फ्यूचर में डोरीमोन को ठीक करेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। अंत में नोबिता ने ही डोरीमोन को रिपेयर किया, जिससे डोरीमोन के कान वापस पीले हो गए और डोरीमोन ठीक हो गया। नोबिता ने डोरीमोन को कसकर गले लगा लिया। उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी एंडिंग स्टोरी कहती है
कि नोबिता बेड पर लेटा हुआ है और बीमार है। डोरीमोन उसकी मात्र एक इमेजिनेशन है। इस एंडिंग पर डोरीमोन के फैंस बहुत गुस्सा हो गए और राइटर के ऑफिस के बाहर दंगा कर दिया। फिर एक बार दोबारा से एंड स्टोरी लिखी गई और इस बारी नोबिता गिर गया और उसके सिर पर पत्थर लग गया। वह कोमा में पड़ गया। नोबिता के ऑपरेशन के पैसे अरेंज करने के लिए डोरीमोन ने अपने सभी गैजेट्स 22nd सेंचुरी में बेच दिए, लेकिन उसने सिर्फ एनीवेयर डोर को नहीं बेचा। दुर्भाग्य से ऑपरेशन विफल हो गया। अंत में नोबिता स्वर्ग चला गया। इन सभी संभावनाओं पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिया जाता है कि डोरीमोन की कहानी का कोई अंत नहीं है। डोरीमोन की कहानी के 3 ऑफिशियल अंत हैं और आज भी डोरीमोन का लास्ट एपिसोड देखने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। इंडिया में डोरीमोन साल 2005 में आया था, जिसे हंगामा टीवी पर प्रसारित किया गया था। 19 नवंबर 2010 हंगामा टीवी के सिस्टर चैनल डिज्नी चैनल पर पुराने डब्ड डोरीमोन एपिसोड्स को दिखाया गया, जो पहले से ही हंगामा टीवी पर प्रसारित किया जा चुका था। इंडिया में डोरीमोन का पहला सीजन डोरीमोन के ही नाम से प्रसारित हुआ, जिसमें जापान के 1979 में रिलीज किए गए डोरीमोन को डब किया गया था। दूसरा सीजन न्यू डोरीमोन के नाम से 2013 में प्रसारित हुआ, जो कि जापान में 2005 में रिलीज की गई थी। और तीसरा सीजन क्लासिक डोरीमोन के नाम से जनवरी 2017 में प्रसारित हुआ, जिसमें 1979 के कुछ एपिसोड्स दिखाए गए हैं। 1 जनवरी 2018 के बाद से हंगामा टीवी ने डोरीमोन को प्रसारित करना बंद कर दिया था और अब डोरीमोन को विशेष रूप से डिज्नी चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। डोरीमोन की वॉइस को हिंदी में डब करने वाली आर्टिस्ट का नाम सोनाल कौशल है। इन्होंने 2005 से 10 साल से भी ज़्यादा समय तक डोरीमोन को अपनी आवाज़ दी है, और उसके बाद इन्होंने डोरीमोन को अपनी आवाज़ नहीं दी और मुंबई में अपना खुद का एक वॉइस ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर लिया है। उसके बाद से डोरीमोन की आवाज़ को किसी ने भी डब नहीं किया है। नोबिता को सबसे पहले आवाज़ देने वाले शख्स थे आकाश अहूजा, फिर सिमरन कौर ने नोबिता को अपनी आवाज़ दी। करेंटली आकांक्षा शर्मा नोबिता के आवाज़ को हिंदी में डब कर रही हैं। साल 2010 से अब तक डोरीमोन की टोटल 27 फिल्म्स बन चुकी हैं, जिनमें से 2 मूवीज को भारत के थिएटर्स में भी रिलीज किया जा चुका है और बाकी के सारे मूवीज डिज्नी चैनल या फिर हंगामा टीवी पर दिखाया गया है। भारतीय सिनेमा में पहली फिल्म नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स द न्यू एज थी, जो भारतीय थिएटर में सुपरहिट रही, और दूसरी फिल्म जो भारत के थिएटर में रिलीज की गई थी वो थी नोबिता और जादुई टापू। डोरीमोन ने 2013 और 2015 में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स में 2 बार बेस्ट शो फॉर किड्स अवार्ड जीता। डोरीमोन को उसके बेहतर प्रदर्शन के लिए 1973 में जापान कार्टून एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। मार्च 2008 में जापान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने डोरीमोन को राष्ट्र का पहला एनीमे एम्बेसडर नियुक्त किया, और आज डोरीमोन को जापान का कल्चरल आइकन के रूप में जाना जाता है। यदि आज आपको सच में इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। भविष्य में और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल राजा टेक LTE को तुरंत सब्सक्राइब करें।